लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे जाना है, मैं जाना चाहता हूँ। अभी तुम कमजोर हो, मुझे अपने भाई की मौत का पता लेना है। तो तुम भी मरना चाहते हो? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ। पागल मत बनो, क्या तुम्हारे मरने से तुम्हारा बदला पूरा हो सकता है? बोलो, जवाब दो। तुम बहादुर जरूर हो, मगर तुम्हारे दुश्मन भी कमजोर नहीं है। अगर तुम अपने दुश्मनों को मारना चाहते हो तो तुम्हें हिम्मत, अकल और ताकत से काम लेना पड़ेगा, और गुस्से में तुम सिर्फ अभिमन्यु बन सकते हो, अर्जुन नहीं। और मैं नहीं चाहता कि तुम अभिमन्यु बनो, मैं चाहता हूं कि तुम अर्जुन बनो, जो कभी किसी से हारा नहीं। जब तक तुम्हारे घाव नहीं भर जाते, मैं तुम्हें अर्जुन बनाऊंगा। देवकी परमानंदम कृष्ण। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ बोल तो। मेरा दिल तो टूट चुका है, पता नहीं अपने पर कब तक बांधे रखूंगी। ना बेटी ना। रानी माँ, मुझे डर लगता है कहीं अपनी हिम्मत के साथ मैं भी टूट कर बिगड़ न जाऊं। ये क्या कह रही है रानी माँ? ना ना, लगता है लोगों को पता चल चुका है कि मैं दुनिया वालों की नजरों में गिरकर मुझसे जिया नहीं जाएगा। दादी माँ, जिया नहीं जाएगा। रोते नहीं बेटी, अगर जुगनू नहीं आएगा तो उसके प्यार में मैं खुद अभी आपको मिटा दूंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटी, और इस नन्ही सी जान को भी। दादी माँ, मैं हम लोग को पता नहीं होने दूंगी। ना बेटी, ऐसा मत बोल। मेरी बच्ची, ऐसा मत बोल। मेरे पोते ने तेरे साथ विवाह किया है, मजाक नहीं, उसे आना ही पड़ेगा। वो तेरे पवित्र जीवन को ग्रहण नहीं लगा सकता, भगवान साक्षी है तुम्हारे बंधन का, उसे आना ही पड़ेगा। शालू नहीं, जुगनू आएगा, जरूर आएगा। हम सबका विश्वास है, जरूर आएगा। था कि आज की मीटिंग में हमने जो डिस्कस किया है। सर, रघुनाथ जी आ रहे हैं। रघुनाथ जी आए? अच्छा, आप मुझे बुला लेते? क्या करता बुला के? तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह मेरी पीठ पे छुरा भोंकोगे। मुझसे कुछ भूल हुई रघुनाथ जी? भूल? भूल तुमसे नहीं, मुझसे हुई है ओम।
मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा उस दिन के लिए जिस दिन मैंने तुम्हारे सर पर हाथ रखा, दो चीफ मिनिस्टर बनाया, इस भरोसे के बदले तुमने मुझे क्या लौटाया? दंगे, फसाद, जहर भरे ग्लूकोज से मरीजों की मौत, एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर को बेदर्दी से मार डाला गया, और तुम मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बजाय उस कुर्सी से चिपके खामोश तमाशा देखते रहे। लेकिन रघुनाथ जी, कुछ नहीं सुनना मुझे, लोगों की दर्द भरी चीख मेरे कानों में गूंज रही है। सुनो ओम, आने वाले 24 घंटों में अगर मुजरिम कोर्ट के कचहरे तक नहीं पहुंचे ना, तो मैं भूख हड़ताल शुरू कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें कुर्सी पर बिठाने की भूल कर सकता हूँ, तो अपनी जान देकर उसका भुगतान भी कर सकता हूँ, समझे? मैं पूछता हूँ, शहर की पुलिस क्या कर रही है? अब तक मुजरिम क्यों नहीं पकड़े गए? कुछ लोग पकड़े गए हैं सर, मगर उनसे भी कोई क्ल्यू नहीं मिला। तो कब मिलेगी? जनता भड़क गई है, मुजरिम अगर जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं होते और लोग अगर रास्ते पर निकल आते हैं तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाने अनजाने में हमारी लापरवाही से रघुनाथ जी भी बहुत दुखी हुए हैं। तुम्हें जो भी इख्तियार चाहिए मिल जाएंगे, कुछ भी करो, मगर 24 घंटों के अंदर अंदर मुजरिमों को ढूंढकर उन्हें गिरफ्तार करो। अगर मुजरिम हम में से कोई निकले तो कोई मुरव्वत मत करना, और अगर कोई बड़ा हाथ तुम्हारे फर्श के आड़े आए तो तुम्हारी फर्श के तलवार से उसे काट डालना। यू अंडरस्टैंड? यस सर। शाबाश, दुआ गर्म है, बहुत गर्म है, मार दो हथौड़ा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे वो लोग ऐसे नासूर हैं जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है क्या? है, स्वयं भगवान है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब उसका विनाश करने के लिए स्वयं कृष्ण ने जन्म लिया। Thank you.
चल नौजवान आगे चल, चल नौजवान आगे चल, धरती गगन को तू झुका दे, सारे जहां को तू दिखा दे, दिल की अगन को तू बुझा दे, जा दुश्मनों को तू मिटा दे। शांति तुझे, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया तूने। पहले मेरे बेटे और बहू को खा गया, अब मेरे बहादुर विशाल की खून से लथपथ लाश भी दिखा दी, मेरे दुलारे जुगनू को भी खा गया। और कितनी जिंदगी खाएगा? ऐसा कौन सा पाप किया था इस अभागिन बुढ़िया ने, जिसकी तू बरसों से सजा दे रहा है? अरे मेरे हरे भरे आंगन को तूने शमशान घाट बना दिया। बेटे, तुम समंदर की लहरों को देख रहे हो, जिनका रास्ता बड़ी बड़ी चट्टाने तक रोक नहीं सकी, अब तुम्हें भी कोई रोक नहीं सकेगा। जाओ टकराओ अपने दुश्मनों से और कर दो उनका विनाश।